जी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक है आप लोग ना? सब खैरियत है। हम लोग अब अपने अगले उसी चीजों को मैं आगे लेके चलूंगा जो बच्चे जानते हैं पहले, जिन्होंने काम भी HTML का ठीक किया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने अभी सबर से चलना है ताकि बाकी लोगों को भी हम साथ लेने। आपने खुद देख लिया कि कैसे दूसरे स्टूडेंट्स के हमारे क्वेश्चन किस तरह के आ रहे थे, और अभी काम कुछ लोगों का हमने ओपन करके चेक किया है तो हमें काम से भी अंदाजा हो गया किस बच्चे ने किस लेवल का किस तरह से काम किया। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है हर किसी की, ठीक है? तो हमने उस तरह से अपने साथ ही लेके चलना है। आपने जिस तरह, मैंने इधर हमारा एक स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आया था कि जी नोट पैड कैसे ओपन हो रहा है, मैं भी बड़ा अच्छा परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। लेकिन बहर आपने जब आपकी विंडोज है ना, कोई भी विंडोज आपके सामने है तो आपके पास आप ये रन विंडो जो है ये तो ओपन कर सकते हैं ना, अगर आपको इधर नहीं नजर आ रहा कुछ भी तो। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड पे एक विंडोज का साइन होता है, मैं जो कर रहा होता हूँ ना वो बाज का तेज से गुजर जाता हूँ, तो विंडोज आप विंडोज और आर प्रेस करें तो आपको ये रन कमांड ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट पैड लिखेंगे नोट पैड चल जाएगा, यहाँ पे आप एक्सेल लिखेंगे एक्सेल चल जाएगा, यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे वर्ड चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल ये कमांड विंडो ही होती है विंडोज की, तो हमारे सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन फाइल नेम होती है हम वो यहाँ पे लिखते हैं और चल जाता है। मैं वो मेन्यू में जाके ढूंढने वगैरह से मैं कमांड लाइन बड़ा तेज मतलब उस तरह से काम ज्यादा कर लेता हूँ, तो इस तरह ही मैं इस तरह चल रहा होता हूँ। ठीक है, इसलिए शायद आपको अंदाजा नहीं हुआ था कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक्सेल लिखा है तो एक्सेल चल जाएगा, सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, विंडोज जो है विंडोज आमतौर पर हमारे पास नोट पैड तो विंडोज के साथ ही होता है आपके साथ पास अवेलेबल होता है, इसलिए आपने यहाँ पे नोट पैड लिखा और ये नोट पैड प्ले हो गया, माशाल्लाह मुबारक हो। ठीक है, अब हम इस वक्त हमने जो लास्ट टाइम काम किया था मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ, लेक्चर्स में आ जाते हैं। ये थी ये मैंने पहले भी बताया था और जिन बच्चों को नहीं समझ आई उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास जो आपकी फाइल सेव होगी, ठीक है, मसलन हमने अभी जिस तरह से एक नया नोटपैड ओपन किया, वहां पे मैं बिल्कुल जीरो से अपना HTML टैग लिखता हूँ /HTML करता हूँ, HTML की बॉडी मैंने बना ली। ठीक है, एक प्रैक्टिस आपने कोड करते हुए हमेशा जहन में रखनी है, चाहे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपने आगे चल के इंशाल्लाह जावा में भी काम करना है, जावास्क्रिप्ट में करना है, PHP में करेंगे, आपने ओपन क्लोज साथ साथ कर देना, बात फॉलो करें ना। ठीक है, तो आपने ओपन क्लोज इस पे साथ साथ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पैराग्राफ का टैग ओपन किया है तो साथ ही पैराग्राफ को क्लोज कर दें और उसके बाद उसके अंदर जो भी काम करना है वो करते रहे। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पैराग्राफ को डबल करता हूँ और यहाँ पे एक टाइटल ओपन करता हूँ, सॉरी टाइटल से पर मैं हेड बनाता हूँ, हेड पोर्शन। ठीक है, टाइटल किया, टाइटल को साथ ही मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो टाइटल के अंदर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने बॉडी को यूज किया और बॉडी को साथ ही क्लोज कर दिया। जब हम आगे जाके मुख्तलिफ VS कोड वगैरह में, ये मैं हो सकता है इसी वीक से हम शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो बेसिक कोड लाइन होती है ना HTML की PHP की, वो हमें खुद स्क्रिप्ट बना के दे देता, हमने फिर अपना काम करना, और साथ साथ जो आप टैग्स लिख रहे होते हैं उसकी हेल्प भी आपको मिल रही होती है। अगर देखना चाहते हैं तो अभी दिखा दूंगा, ठीक है, हेल्प के लिए। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी का टैग ओपन किया, समझ रहे ना, अब मैंने साथ साथ ओपन क्लोज करना है। बाद में क्या होता है, फिर हमें पता चलता है यार ये टैग क्लोज, ये बिहेवियर अजीब सा आ रहा है, वो क्यों आ रहा होता है, कोई टैग क्लोज नहीं हुआ या किसी टैग ने हमने उसे कहीं गलत जगह पे ओपन कर दिया, यानी ये मसले ज्यादातर आते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी एक भाई का आया कि वो /u को आगे पीछे हो गया था, छोटा छोटा मसला है ना, ओवरलुक हो जाता है जब आप देखते हैं तो। अच्छा, अब हमने देखे, मैंने क्लोज किया, अब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, दोबारा से हम जीरो पे जरा आ रहे हैं, इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, मैंने अपने जिस भी लोकेशन पे सेव करनी, PC ड्राइव में जहां भी जाएंगे, मैं अपने फोल्डर में आया, PNY में आया, उसमें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आता हूँ, लेक्चर्स में आता हूँ, वहां पे मैंने एक Lecture 4 का फोल्डर बनाया। ठीक है, सेव करना तो आप बेटे वो पता है ना, हाँ सेव कर लोगी ना आप फाइल। ठीक है, सेव आपने किसी भी लोकेशन पे सेव करना है, और सेव करने के बाद अब इस फाइल का नाम देना आपने,
ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे एक आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं टेबल, या चेंज कर देते लेआउट कर देते, ठीक है लेआउट। अब अभी अगर मैं इसको सेव करूं तो इस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, नोटपैड एक्सटेंशन .txt, नीचे सेव एज टाइप क्या आ रही है, यहाँ पे अभी .txt लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इस फाइल की एक्सटेंशन है .txt, ठीक है। अब फाइल एक्सटेंशन .xls किसकी एक्सटेंशन होती है, इस तरह अब हमने जो वेब पेज बनाना है हमें उसकी एक्सटेंशन MP3 नहीं रखनी, हमें उसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है HTML, हम उसको HTML खुद लिखेंगे, layout.html लिख दी मैंने, ठीक है, खुद हमने वहां पे टाइप किया लेआउट हमारी फाइल का नाम .html, और इसको डबल कोट्स में मैंने दे दिया था, सिर्फ किस लिए डबल कोट्स में, इसलिए फाइल की फाइल नेम देते हैं नोटपैड में देते हैं सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए, अगर ना भी देना ही कर लेगा, लेकिन बाज का ये होता है कि वो उसको .html .txt रख देता है, वो साथ उसको डिफॉल्ट में टेक्स्ट फाइल ही कंसिडर करता है, तो हम डबल कोट्स में दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं ये हमारा फाइल है, मैं इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो अब हमारी इस फाइल का नाम क्या होगा, layout.html, ठीक है, नॉट MP3, नॉट MP4, नॉट txt, क्या है .html, हमारे जितने भी वेब पेज होंगे जो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है अभी फिलहाल .html या .htm भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब HTML ही हम यूज करते हैं फॉर एक्सटेंशन में, और आगे चल के जब आप दूसरी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे फिर और एक्सटेंशन भी आएंगी, मतलब CSS की फाइल की एक्सटेंशन होगी .css, PHP की फाइल की एक्सटेंशन होगी .php, JavaScript की फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी .js, ठीक है। तो ये जेन में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें पता हो कि हम किस फाइल में कैसे काम कर रहे हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया, जब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ ये फाइल मेरी layout.html सेव हो गई, जिस फोल्डर में मैंने सेव किया था उस फोल्डर में आते हैं, ठीक है, इसको भी मैं उठा दूंगा। यहाँ पे आप गौर करें, ये layout.html पड़ी है, ठीक है, ये फाइल आगे आप इसकी फाइल टाइप देखें तो लिखा हुआ है com.html document, यानी ये HTML document है, ठीक है, और अगर मैं इसको डिफॉल्ट में खोलूंगा तो कहाँ जाएगी, ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर, मेरे पास क्रोम इंस्टॉल है, क्रोम में आ गया, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता वो भी है उस पर चला जाता, फायरफॉक्स होगा तो फायरफॉक्स में चला जाएगा। तो बात यह है कि अब हम अपना जो पेज है, हमने तो काम करना है ना, हमने कोडिंग करनी है, अब मैं ये दोबारा फाइल नोटपैड में कैसे खोलूंगा, इस पे आपने क्या करना है, आपने इस फाइल पे जहां पे सेव किया वहां पे आके इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विद, और ओपन विद में यहाँ पे नोटपैड आऊंगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है तो ये नोटपैड में खुल जाएगी। अगर ये भी नहीं करना, दूसरा तरीका क्या है, दोबारा से नोटपैड खोलें, खुल गया, ये तो बता दिया ना, और इसमें फाइल ओपन, फिर उसी लोकेशन में चले जाएं जहां पे मैंने फाइल सेव की हुई है, PNY फर्स्ट फॉर लेक्चर, लेक्चर 4, यहाँ नजर नहीं आ रही, इतनी सेव की थी ना, आ गई। अब आप देखें, जब हम डिफॉल्ट में जब हम फाइल ओपन करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में आप फाइल ओपन कर रहे होते हैं वो डिफॉल्ट में अपना फॉर्मेट शो करवाता है सिर्फ, तो नोटपैड का अपना फॉर्मेट क्या है, डॉक्यूमेंट, ये नीचे पड़े ना डॉक्यूमेंट, हमारी फाइल किस में थी, हम यहां से उसे कहेंगे भाई हमें ऑल फाइल्स दिखाओ, सिर्फ टेक्स्ट ना दिखाओ, ऑल फाइल्स दिखाओ, जब हम ऑल फाइल्स देखेंगे तो हमें वो नजर आ जाएगी, और इसको आप ओपन करेंगे तो ये दोबारा सामने खुल, ठीक हो गया, 10 दफा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आगे चलना है, चले आप आगे आते हैं, और अभी फिर आप क्लास के बाद बाकी चीजें आप लैपटॉप में देखें। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने बात की थी कि हम टेबल पे काम शुरू किया था, हमने एक टेबल बनाया, ठीक है, और टेबल के साथ हम सिंपल हमने एक TR बनाई, TR क्या है, टेबल रो है, इस टेबल रो में मैंने अपना एक टेबल डाटा, एक कॉलम बना दिया, उस कॉलम के अंदर मैंने लिखा PNY ट्रेनिंग्स,
ठीक है, कलम को मैंने कर दिया क्लोज, यहां तक क्लियर। उसके बाद हमने एक और टीआर बनाई और उसके अंदर भी मैंने एक टीडी लगाई, उसमें हमने लिख दिया बैच 35, क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और टीडी इसमें बनाई हमने और यहां पे हमने लिख दिया फुल स्टैक वेब। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर इसको हम सेव करते हैं, सेव करके मैंने अपने ब्राउजर पे आता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको शो करवा लेता हूँ। मेरे पास बाय डिफॉल्ट में टेबल इस तरह से क्यों नजर आ रहा है, बॉर्डर उसका जीरो है, ठीक है। हम इसको बॉर्डर इज इक्वल टू 1 pixel कर देते हैं, ठीक है, F5 करते हैं, मेरे पास बॉर्डर आ गया। तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको विड्थ कर दूं 100%, तो ये क्या होगा, फुल पेज पे चला गया। अगर इसी विड्थ को मैं 70% पे कर दूं, ब्राउजर का 70%, उस वक्त जो विंडो ओपन है उसका 70% हो गया, ठीक है। तो ये आप गौर करें कि मुझे फर्स्ट रो पे जो कलम है लेफ्ट पे नजर आ रहा है, आगे उसके खाली भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि हमने इस कॉलम को इन नीचे वाले दो कॉलम्स के ऊपर फुल लेंथ में लेके जाना है। उसके लिए हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कैडी कॉल स्पैन, ठीक है जी, कॉल स्पैन, और इसको मैं दूंगा 2, ठीक है। अब क्यों कहेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन का मकसद क्या है, हमारा जो ऊपर इस कॉलम पे हम कॉल स्पैन अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस कॉलम ने दो कॉलम्स की स्पेस को कवर करना है, क्योंकि निचली रो में दो कॉलम्स हैं, ऐसा ही है। निचली रो में हमारे कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स है ना। हम ऊपर कॉल स्पैन में क्या वैल्यू देंगे, अगर मैं यहाँ पे जी टीडी में, अच्छा अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इसको, फर्ज कर दें मैं कहता हूँ जी AIT ब्रांच, लॉन्ग बाल्टन ब्रांच, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगेन उसने एक कॉलम की जगह छोड़ दिया, टू कॉलम्स की स्पेस कवर की हुई है, ठीक है। तो अब हम कॉल स्पैन क्या करेंगे, इसको लव लग रहे हैं आप, ठीक है, कॉल स्पैन हम इसको 3 कर देंगे, तो ये फुल लेंथ में चला गया। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल TNY को TNY को हम H1 टैग दे देते हैं, ठीक है जी, वो उस पे H1 अप्लाई हो गया, जितने भी टैग्स होंगे वो TD के अंदर अप्लाई होंगे, क्लियर है ना ये, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, लो जी अब मैं यहाँ पे H1 अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम अगर H1 के साथ इसको मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो वो सेंटर लाइन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं देखें, मैंने पूरे कॉलम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पूरे उस कॉलम का, तो उस कॉलम के कलर को मैं ब्लैक कर देता हूं, बीजी कलर ब्लैक, जब हम इसको ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, हमने शुरू में बॉडी के साथ पढ़ा था कि बॉडी के साथ बीजी कलर लगता है, बॉडी के साथ एक और पैरामीटर लगता है जिससे 4 कलर चेंज हो जाता है, वो कौन सा था, आपने बॉडी के साथ पढ़ा था टेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट लगाऊं तो क्या अप्लाई होगा, इधर जो आप भी लोग बैठे हैं। अच्छा, इसको हम प्ले कर 5 किया, रिफ्रेश किया, नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, जो एट्रीब्यूट्स जो पैरामीटर जिस टैग के साथ इस्तेमाल होता है वो वही यूज होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बॉडी के साथ वाले, अगर बीजी कलर अप्लाई हो गया है तो बॉडी के सारे पैरामीटर टीडी पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसी तरह अब एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमने फॉन्ट का टैग पढ़ा था, याद है आपको, फॉन्ट के साथ मैंने फेस एरियल लगाया था, ठीक है। अब
फेस एरियल का टैग जो पैरामीटर है वो किस टैग के साथ लिंक है? फेस का जो पैरामीटर है वो किस टैग के साथ लिंक है? फॉन्ट के साथ लिंक है। तो क्या मैं फेस का पैरामीटर यहां लगा सकता हूं? फायदा ही कहीं उसकी, उसका वो सिंटैक्स ही नहीं है, उसका वो लॉजिक ही नहीं है उसकी जो HTML की, उसके उसको उसकी बॉडी में रह के काम करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चले, मैं आपके समझने के लिए मैं यहां से ये खत्म कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। H1 खत्म कर दिया तो वही ना, तो H1 खत्म हुआ ना, ब्लैक ब्लैक ही रहा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर मैं यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई करता हूँ, फॉन्ट फेस एरियल, ठीक है, और उसके बाद इसको स्लैश फॉन्ट क्लोज कर देंगे, फॉन्ट अप्लाई हो गया होगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं कलर अप्लाई करूं इसको तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, कलर मैंने फॉन्ट के साथ यूज किया, मैंने उस टेक्स्ट को सिर्फ चेंज करना था, मुझे सिर्फ इस लाइन का टेक्स्ट चेंज करना, पूरे बॉडी पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको चेंज नहीं करना। तो उसके लिए फिर मैंने अपने फॉन्ट के टैग को वहां पे अप्लाई किया, और फॉन्ट के साथ फिर मैंने जो भी सारी स्टोरी है वो मैं फॉन्ट के साथ करूंगा, हो गया ना। ठीक है, और इसी तरीके से अब फॉन्ट के साथ एक और चीज बताएं, ये आपको ना साथ साथ काम करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे तो ये चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है ना, अब फॉन्ट के साथ अगर मैं अलाइन लगाऊं चलेगा? नहीं चलता। क्या फॉन्ट के साथ लाइन नहीं लगता? क्या या तो मैं, अच्छा चले इनके लिए एक और चीज है, ये मुझे कह रहे थे यहाँ पे लगा दे। ठीक है, यहाँ पे लगा के देख लें। अब टीडी ने क्या करना है, यही अभी बताने कि अब इस टीडी में जो भी लिखेंगे ना वो सब सेंटर में हो। अगर मुझे किसी एक लाइन को करना है तो मुझे उस एक लाइन पे लगाना है। मैं इसलिए उस वक्त आया था कि ये टीडी पे अप्लाई हो, टेक्स्ट पे उस पर अप्लाई नहीं करे। देखे ना, अगर मैं इसके साथ कुछ और भी लिख दूं, कैनवाई ट्रेनिंग लाहौर, ठीक है ना, तो वो सब टीडी पे अप्लाई हो रहा है ना। क्या अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहां से ये लाइन खत्म कर दें, अच्छा अब मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ इस टेक्स्ट को खत्म करना है, इस सॉरी लाहौर को हम ना या इसको भी रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी IT ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक सिंपल सा वो होता है सेंटर। मैंने सिर्फ क्या किया, इस फॉन्ट को TNY ट्रेनिंग्स लाहौर को सेंटर के टैग पे अप्लाई कर। अब यहाँ पे देखें, अच्छा सॉरी, ठीक है वो सेंटर में है लेकिन वो IT ट्रेनिंग्स क्यों नहीं नजर आ रहा? वो IT ट्रेनिंग इसलिए नजर आ रहा है कि वो ब्लैक है। ठीक है, इसको भी हम व्हाइट करके इसको भी यहाँ पे फॉन्ट में दे देते हैं। ठीक है जी, बन जाए ना बात। अब कुछ चीजें पुरानी होंगी जरा पिछले दो लेक्चर्स की होंगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्रेश हैं इस फील्ड में, ठीक है ये प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने टीडी पे अप्लाई किया, पूरी बॉडी पे, पूरी कुछ कॉलम पे आ गया, जब हम फॉन्ट पे लगाएंगे वहां पे, याद है क्लियर जी। ठीक है, अच्छा अब हमने ये चीज भी देख ली, ये मैं इसको खत्म कर दूं, ये लेआउट जरा खराब करेगा, हमने PNY ट्रेनिंग लगा दिया। अच्छा नीचे वाले कॉलम पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी कोई बॉडी पे, बॉडी के पैरामीटर्स में नहीं है, टेबल पे भी नहीं होता। अगर आप चले अभी दिखाता हूँ, अभी एक मिनट सिर्फ दें, अभी हम ये भी अप्लाई कर ले। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, अच्छा ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये आपका नाम क्या, सॉरी भूल गया, करामा साहब, इनके इनका क्वेश्चन जो है ना वो मैं इस तरह से क्लियर करता हूँ। अगर मैं बॉडी लेवल पे टॉप पे यहाँ पे मैं H3 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम बॉडी के ऊपर H3 बंद कर, यानी मतलब क्या हुआ, ये पूरा पेज H3 में चलेगा। ठीक है, इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, हुआ क्यों नहीं हुआ,
यहाँ पे लिख देते हैं HTML, CSS, PHP, MySQL, MinMart, ठीक है। इसको टेबल के अंदर नहीं, टेबल के बाहर लिखते हैं ना, अगर टेबल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। टेबल के बाहर, टेबल क्लोज हो गया ना, टेबल के बाहर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और पूरी बॉडी को H3 में बंद किया हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टेबल के बगैर अप्लाई हो रहा है। सिर्फ समझाने के लिए ये बात, इसलिए कि हम TD में टेबल के अंदर कॉलम में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई डाटा लिखते हैं, उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें वो उस स्पेसिफिक TD में जाके सेपरेट करनी पड़ती है, ये ज़हन में रखनी है आपने बात, ठीक है। आपने H3 अभी अप्लाई किया, बिल्कुल क्या H3 आपने बॉडी के साथ ही लिख दिया, आपका ज़हन था पूरा पेज H3 में चलेगा, ठीक है। जो टेक्स्ट टेबल से बाहर था वो तो आ गया, लेकिन जो टेक्स्ट टेबल के अंदर आ रहा है, टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, वो नहीं चलेगा इस तरह से, ठीक है। गेन हम और थोड़ा सा आसान करते हैं इस बात को, इसको भी मैं खत्म करता हूं यहां से। फिर मैं TR के अंदर लिख दूं, ठीक है, और TR से बाहर इसको मैं /H3 कर दूं, यहां वाला स्लैश खत्म कर दूं ना, इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर से क्लोजिंग खत्म। क्या होगा, जब भी आपने कॉलम के अंदर टेबल डाटा पे कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए टेबल डाटा के अंदर ही वो टेक्स्ट, वो टैग्स अप्लाई आप करेंगे, क्लियर होगी ना। आप उसको बॉडी में लिखें, TR में लिखें, कुछ भी लिखें, वो उस पे नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बताया कि जब आप कुछ स्टूडेंट्स की मैंने असाइनमेंट देखी, उसमें वो फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर नहीं उन्होंने की हुई, TD के फॉर्मेटिंग में बहुत सारी है, फॉन्ट फेस तो है ही है, उसके साथ आपका वो ये H के जितने टैग्स हैं या लिस्ट वगैरह जो अप्लाई होती है वो आ गई, फिर और क्या होता है, और वो हाइपरलिंक्स वगैरह बनते हैं, इमेज को इमेज ऐड करना, कोई भी टैग टेबल डाटा में कुछ भी टैग आ रहा है तो उसके फॉर्मेटिंग के लिए भी जो भी टैग्स आपने लगाने हैं वो टेबल डाटा में ही लगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, फिर जी अब हम इसको जरा अब आप गौर करें, अब मैं यहां से खत्म करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं batch 35 पे H3, ठीक है, और इसको क्लोज ना करूं, माइंड स्टॉर्म कर रहे हैं ना, अब क्या होगा, हमने उसे H3 ओपन किया, batch 35 पे अप्लाई किया बट क्लोज नहीं किया। क्लोज करने का मतलब ये होता है कि ओपन चलता रहे, लेकिन उसके बाद कॉलम क्लोज हो गया, TD क्लोज हो गई, तो वो बॉडी उसकी वहां पे क्लोज हो गई है जो अप्लाई करनी, अगले कॉलम्स पे वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, लेकिन क्योंकि हमें टैग्स को क्लोज करना चाहिए, आगे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और भी टैग्स लिखना होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 to 8 PM, ठीक है, क्लियर हो गया ना, मैंने उसको वहां क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर मैंने पूरी उसको टेबल बॉडी पे लेके जाना है, मुझे फिर वो क्लोज नहीं करना चाहिए, एंड पे क्लोज करना चाहिए। ये सब वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे, साथ साथ कुछ लोग होंगे जो अभी जिन्होंने नीचे वालों पे क्या करेंगे, हम अलहदा अलहदा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जेहन में रखने है बात, इस चीज को। अब मैं यहाँ पे इसी तरह से टेबल H3 अप्लाई करता हूँ, अच्छा। अब अगर मुझे एक और बात बताएं, अब मैं इस TD पे बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कौन सा दूं, चलो जी हम इसको दे देते हैं ब्लू, दे स्काई ब्लू दे दे यार आज, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ब्लू कलर दे दिया आपके लिए स्पेशल, कि उस TD पे जो भी काम जिस जगह पे कर रहे हैं सिर्फ वहीं करना पड़ेगा और वहीं पे वो अप्लाई होगा। हर कॉलम पे अगर आपने कुछ भी जो भी कोई चीजें करनी है वो हर कॉलम पे सेपरेट हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये काम बाकी कॉलम्स पे करना है, क्या करेंगे, लादा लादा देंगे,
हाँ उसी में आता है, ठीक है, हमने इसको अलहदा अलहदा कर दिया। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूं, समझ रहे क्या हुआ? क्या ना टी आर पे अप्लाई किया, टी आर पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाता है। अगर मैं टी आर पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको इसको ऐसे रहने देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलें इसको मैं खत्म करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अब आप चेक करें प्री रो बैकग्राउंड कलर येलो हो गए, ठीक है। अगर मैं किसी एक कलम को चेंज करता हूँ तो वो चेंज हो जाए, फिर बात। अच्छा अब आप एक और यहाँ पे चीज नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो हमने कॉलम अपने बनाए हैं, उन कॉलम्स में हर कॉलम की विर्थ मुख्तलिफ है। पूरा पूरा टेबल तो 100% पे है ना, लेकिन ये कॉलम आप देख रहे हैं ज्यादा स्पेस ले रहा है, इसने काम इसने काम, मुझे इसकी विर्थ सेट करनी है इन कॉलम्स की, ठीक है। इन टेबल डाटा के साथ मैं विर्थ अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आपने ये पूरा टेबल कितने विर्थ पे बना हुआ है, ठीक है, और जब हम कॉलम्स की विर्थ सेट करेंगे तो हम इस 70 को क्या कंसिडर करेंगे, 100, ठीक है। अब हमने उस 100 की डिवीजन करनी है, तो उस 100 की डिवीजन के लिए फर्स्ट जो ठीक है इक्वल इक्वल करना है, तो मैं जरा थोड़ा सा चेंजता 30% कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कॉलम है इसकी मैं वेट कर देता हूँ 40% कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी इसको नहीं अप्लाई कर, ऑटो काम जो बाकी होगा उसे चला जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन देना चाहिए, हमें जरा चीजें कंट्रोल में रहेंगी। इसको आगे हम देते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, हमने इसी टेबल के साथ अभी सारा काम करना है, क्योंकि ये लेआउटिंग के लिए जो मर्जी आप वेबसाइट मुझे खोल के दिखा दें दुनिया की, मैं आपको उसको टेबल में डिवाइड करके बता दूं कि ये इस तरह बनाओ। ओहो मतलब कहने का ये था कि टेबल का यूज इस तरह से करना होता है और जरूरी इसलिए है। अच्छा आगे डिव्स भी आएंगी ना, डिव के कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी है पहले, ठीक है, इसीलिए पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह से अब मैं दोबारा से एक और टी आर अप्लाई करता हूँ, ये तवज्जो रखनी है आपने इस पे, ठीक है। मतलब ये तो मैं अपने सिर्फ आपके समझने और अपने के लिए आसानी के लिए इनको स्पेस दे देता हूँ टैग्स को, अगर मैं ना भी करूं मैं इनको साथ साथ रख दूं, हाँ ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि एक बॉडी ऊपर से ओपन हो रही है नीचे क्लोज हो रही है, इंडेंटिंग की जाती है कोड को, और ये जो आप टूल्स यूज करते हैं उनमें ऑटो हो जाती है, ठीक है। और आप यहाँ पे हम खुद कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ी प्रैक्टिस, हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए इस चीज का, ठीक है। अच्छा जी मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं क्या होगा, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे उसी तरह वही काम हुआ ना, ऊपर दो कॉलम है नीचे तीन कॉलम है, वो उस तरह से चल रहा है, ठीक है। विर्थ अप्लाई नहीं की थी हमने, विर्थ मैंने नीचे नहीं लिखी, तो वो विर्थ जो ऊपर लिखी थी वो सब पे चल पड़ी, सब पे अब वही अप्लाई हो रही है ना। तो एक और हमें समझ आती बात कि अगर हमने एक सेम सिमेट्री में टेबल बनाना है तो हमें ऊपर फर्स्ट रो में सिर्फ हम विर्थ अप्लाई कर दें और नीचे उसी तरह चलते रहने का, हमें फिर हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें मैं यहाँ पे टी आर में जाके इसमें मैं रो स्पैन ऐड करता हूँ, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, जी हसन आप बताएं, हसन ऑनलाइन में, अब्दुल माजिद साहब रो स्पैन क्या करेगा जी, किया यूज किसी ने, हाँ ठीक है आपने किया, और इधर से किसी ने, इधर बच्चों आपने पीछे किसी ने, अच्छा रो स्पैन क्या कर रहा है, जिस तरह से हमने यहाँ पे कॉल स्पैन किया था उसने क्या किया था,
कॉलम्स के ऊपर तीन कॉलम्स की स्पेस में उसने एक कॉलम को ले गया। इसी तरह से जब हम रोज पैन यूज करते हैं, रोज पैन क्या कर रहा है, पहले सेव करते हैं, क्लोज क्या कह रहे हैं, थ्री पे सॉरी, ठीक है। हम उस फर्स्ट कॉलम पे मैंने अप्लाई किया कि रोज पैन, उस कॉलम को उसने क्या किया है, दो रोज पे मर्ज कर दी। ये काम वर्ड में करते हैं, किसी ने किया वर्ड में, काम वर्ड में करते हैं, वर्ड में तो सीधा दो कॉलम सेलेक्ट किए मर्ज, वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करने के लिए कॉल स्पैन रोज स्पैन यूज करना पड़ता है। हमने उस पहले कॉलम को बताना है कि इसने दो रोज को मर्ज करना, दो सेल्स को मर्ज करना है रो वाइज। दूसरी तरह अगर हम समझें तो इस तरह कह लेते हैं कि इसने क्या किया है, दो सेल्स की स्पेस को मर्ज किया है रो वाइज, सॉरी वर्टिकली, वर्टिकली, ठीक है। और इसने क्या किया था, हॉरिजॉन्टली मर्ज कर लिया था, कॉल स्पैन कॉलम्स को मर्ज कर लिया था, रो स्पैन रोज को मर्ज किया, ठीक है। अब हमने इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इधर मैं एक थर्ड कॉलम एड कर देता हूं, तो मैं फॉर्मेट जरा उसका लेआउट सेट कर रहा हूं। अब वहां पे देखें, एक गौर करें आप बात, उसने पहले कॉलम को ए जो वहां पे लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड कर दिया, दो रोज को मर्ज करके एक सेल बना दिया, लेकिन नीचे तीन कॉलम्स लिखे थे, वो तीसरा कहां भाग रहा है बेचारा, ये देख रहे हैं जहां जी लिखा हुआ है, वो विड से आउट हो रहा है, उसने उसको सिर्फ शो करवा दिया है लेकिन वो बाहर जा रहा है, बेसिकली हमारे फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे अगर तो उसको यूज करना है फिर पूरे टेबल के फॉर्मेट को उस तरह से लेके चलना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यूज नहीं करना, मैं इसको खत्म कर देता हूं, अब क्या होगा मेरे पास, ठीक है ना, बात समझ है। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी के यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट पर्सनल नेम, वो मुझे फिर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी सारी, अभी मैं उसको नहीं ले रहा, वो सारे कॉलम चेंज, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक हेडिंग दे दी, नॉर्मल जो हम वर्ड में काम कर रहे थे उसको हमने HTML में मैप कर दिया, और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे बी को लिखता हूँ जी फुल नेम, क्या नाम था उनका, मोहम्मद अर्जी, याद है बोलता नहीं मैं, और उसके बाद जनाब इनका कांटेक्ट नंबर लिख देते, ये नहीं याद हो सकता सॉरी, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें हमने उसको एक, ठीक है, अब मुझे चाहिए, मुझे लेबलिंग तो नहीं उस तरह चाहिए, मैंने फॉर एग्जांपल लेबलिंग को यानी के ये जो सेंटर में है ना फुल स्टैक वेब, इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, इस कॉलम की विड्थ आप देख रहे हैं ना बहुत ज्यादा चल रही है, मुझे जरा लेबल देना है, मैंने कम करना है इसको, 40 रखा था याद है आपको, ठीक है, हम इसको 30 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को, जो पहले असाइनमेंट जो थी उनमें करने में जो इनको मसले आ रहे थे उनको जरा चीजें मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब ये यहाँ तक टेबल का समझ आ गई है, ठीक है ओके। अब मुझे आप लोगों ने एक और चीज बतानी है, ऊपर करते हैं येलो से यहाँ TR/TR, एक नई रो मैंने बीच में ऐड कर दी, इस रो में मुझे एक कॉलम चाहिए, जैसे जैसे ये PNY एक कॉलम है ना, वो कॉल स्पैन लगा हुआ है, तीन कॉलम्स को उसने मर्ज किया हुआ है, अब मुझे इसके नीचे एक मैंने नई रो ऐड किया, उसमें भी मुझे सेम सिंगल कॉलम चाहिए बस, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये ऊपर दिया हमने क्या, उसी तरह से मुझे सेम कॉपी नीचे करनी है, ठीक है, इसको कॉल स्पैन फ्री कर दूंगा, और अभी फिलहाल इसको मैं बीजी कलर रेड करता हूँ सिर्फ आपके देखने के लिए, ठीक है, और इसको स्लैश टीडी कर, ठीक है जी, वो आ गई रो बीच में,
बहुत ही छोटी बेचारी रो है, ठीक है। इसमें मैं एक और एंड एनबीएसपी डाल देता हूँ। ये क्या होता है, एचटीएमएल में ब्लैंक स्पेस का स्पेशल करेक्टर है, एंड पर्सन साइन एनबीएसपी, ठीक है, ये नल ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो ये एक स्पेस डालने के लिए मैंने यहां पे अभी फिलहाल चलें पीएनवाई इमेज, ठीक है, मैंने यहां पे पीएनवाई इमेज लिख दिया। अब मुझे यहां पे एक इमेज का बैनर ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे वो इमेज टैग कहां अप्लाई करना है, पीटी के अंदर, इमेज आगे क्या था, एसआरसी, और एसआरसी में pny.jpg, ठीक है, और फिलहाल क्लोज। अभी मैं कोई और टैग नहीं डाल रहा, और इसमें डालते हैं तो उसे इमेज नहीं मिलेगा, है नहीं वहां पे, ठीक है। हाँ, अब हम उस फोल्डर से, ये इमेज कहाँ होना चाहिए, इस फोल्डर में, ये लेक्चर टू में पढ़ा था, थ्री में पढ़ा था, ये लगा लग, नहीं कोई भी हमने ये लगा लग, ठीक है ना। इसका नाम business.jpg, इसको मैं चेंज कर देता हूँ pny का, ठीक है। इधर आते हैं, इधर सेव है हमारे पास, इतने क्वेश्चन है, इसको F5 किया, ठीक है। इमेज ऐड हुआ है अपने जेन्युइन साइज में। अब मैंने इसको साइजिंग करनी है, अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, विड्थ नहीं, इसको मैं फिक्स करता हूँ, लान हो रही है, ठीक है जी। यहाँ इमेज ऐड किया है, दो मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है हमारी, है ना, फिर करते हैं। लें जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अजान यहाँ पे हो गई है। अच्छा, अब हम, मैंने यहाँ पे पीएनवाई ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे आया मैं, और मैंने ये बैनर जो था इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी किया, ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। ये इमेज वो था जो हमने पेस्ट किया, दूसरे फोल्डर से उठाया था, और ये हमने कॉपी किया, इसका नाम मैंने PNY1 रख दिया। दोनों तो फर्क क्या नाम का, तो आगे भी चल एक्सटेंशन, ये अल्लाह आपका भला करे, तो अगर एक्सटेंशन नजर ही ना आ रही हो, प्रॉपर्टीज में चेक कर लेंगे, अगर आपको एक्सटेंशन यहाँ नजर नहीं आ रही, हो गया, मैंने कर दिया ओपन, ऑनलाइन आवाज आ रही है अब आपको, जीरो बेटा जी, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपने, आपको फॉर एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही, तो आपको एक्सटेंशन चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको यहाँ पे जो आप विंडोज में एक्सप्लोरर ओपन किया होता है, फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, इस पे आप राइट क्लिक करके यहाँ देखें, मुख्तलिफ कॉलम्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे टाइप ओपन कर लें, आपको नजर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसका फाइल साइज, डेट, मॉडिफाई, ये चीजें नजर आ रही थी। मजीद चेक करना है, इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाए, यहां से आपको ये एक्सटेंशन नजर आ गई, ठीक है, और JPEG, ठीक है, JPG और JPEG, ये दोनों सेम ही चल रहे होते हैं। अब हम, मैंने यहाँ पे PNY और अपनी फाइल में जाके PNY1.jpg लिखा था, ठीक है, मैंने नाम चेंज किया, ये मेरे पास नहीं आएगा वहां पे इमेज, क्यों नहीं आएगा, F5 क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे प्रॉपर एक्सटेंशन देनी है जो उसकी एक्सटेंशन है, क्लियर, ठीक है, अब आ जाएगा मेरे पास। देखिए, ये इमेज अब डिजाइन एक वेब बैनर के तौर पे हुआ हुआ है, वो जो पहले हमने इमेज उठाया था ना बिजनेस वाला, वो गूगल से उठाया था, एक रैंडम इमेज, उसकी साइज विड्थ दाएं बाएं जा रहा था, ठीक है। अब ये इमेज डिजाइन ही एक वेबसाइट के बैनर के तौर पे हुआ हुआ है, इसकी एक उस तरह से विड्थ हाइट सेट हुई हुई है, बात फॉलो कर रहे हैं मेरी, तो इसलिए मैंने कोई विड्थ हाइट अप्लाई नहीं की, उसने डायरेक्ट उठा के मुझे दिखा दी, ठीक है। जब हम अपनी वेब के लिए, जब हम इमेजेस वगैरह, मैंने बताया था कि आपको थोड़ा बहुत इमेजेस की एडिटिंग साइजिंग करने
हमें वेब के लिए जरूरी हो जाती है, ठीक है, वो हम साथ उसके सेशन करेंगे, एक्स्ट्रा सेशन करेंगे इंशाल्लाह उसके, ठीक है। अब हमने ये बैनर उठा के यहाँ पे डायरेक्ट लगा लिया, उसने अप्लाई कर दिया। अगर मैं साथ कोई विर्थ हाइट लगाना चाहूँ तो हमें वो भी लगा सकते हैं, कोई रोकेगा तो नहीं, ठीक है, वो लगा लें, वो आपका विर्थ हाइट वगैरह सेट हो गया, ओके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे मजीद आगे चलते हैं, ये जो हमने बॉर्डर दिया था ना, इसको इसको खत्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस टेबल को पूरे को कर देते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है, ये अलाइन सेंटर हो गया। और ये जो फजूल अभी हमने लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, इसको खत्म कर, ठीक है जी। तो ये हमने एक फॉर्मेट सेट कर दिया, हुआ तो सेट कोई शक्ल निकले, ठीक है। मजीद सेट करना चाहूँ अभी फिलहाल कलर सीखे, और HTML से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी कुछ कलर कलर अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या करें, शॉकिंग पे इतना भी ना शॉकिंग हो जाए भाई, रहने दे, क्या थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहने दे, ठीक है। तो अब हमने इसको एक बैकग्राउंड कर, तो मेरे पास एक फॉर्मेट बनना शुरू हो गया, क्लियर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी, अच्छा ठीक है, गुड, वो भी कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास लेक्चर 3 में ये PNY का लोगो पड़ा हुआ था, पड़ा है लोगो, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C से कॉपी होता है आजकल, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है PNY, अच्छा ये सेम नेम से पड़े हुए हैं, क्यों, मेहरबानी, ठीक है, ये PNY एक्सटेंशन चेंज है। अब हम इसको कहाँ लगाएं बताएं आप लोग, ये इस टेक्स्ट से पहले लगा दे, ठीक है, इस टेक्स्ट से अगर पहले लगाएंगे, जरा बॉर्डर खोल लेते हैं फिर थोड़ा सा, और कलर भी अभी वाइट कर देते हैं, बॉर्डर बॉडी में तो नहीं आना ना, ठीक है जी, हमने जान उसमें बॉर्डर टेबल पे लगाया ना, वो मैं ऊपर ही सम। अब हमने PNY ट्रेनिंग्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें इस रो में हमने एक कॉलम लगाया हुआ है सिर्फ, उसको स्पैन कितना लगा हुआ है, तीन कॉलम्स का। अब हमने इसके लेफ्ट साइड पे एक इमेज भी ऐड करना है, उसके लिए हमें कितने कॉलम चाहिए, टोटल इस रो में कितने कॉलम चाहिए, दो, एक इमेज का एक टेक्स्ट का, तीन नहीं चाहिए बेटा, दो, ठीक है। हमने इसमें टॉप पे एक TD अप्लाई करते हैं इसी रो के अंदर, और इसके अंदर हम इमेज src=PNY.png क्या जी अप्लाई कर देते। अब यहाँ पे आके देखें, दे दिया उसने, पहला जो कॉलम आया उसने उठा लिया। अभी कॉल स्पैन जो है ना, वो कॉल स्पैन असूलन यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नीचे विर्थ लगी हुई है ना, वो विर्थ के साथ उसने एडजस्ट किया है, हम इसको 2 कर देंगे तो क्या होगा, कोई कुछ नहीं, अपनी जगह पे है वो, ठीक है। देखें 3 उसने 3 मतलब आगे जितने कॉलम्स आ रहे हैं सबको उसने स्पैन कर लिया, ठीक है, तो वो थे ही कॉलम 2 उसने मर्ज कर दिए वहां पे, तो असूलन यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे वो लग गई इमेज हमारी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इमेज जरा ये वाली इमेज थोड़ी बड़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है, इसको अगर हम विर्थ आधी आधी कर देते हैं। अच्छा, अगर आपने फिक्स पिक्सल में देना है अपनी मर्जी का कुछ साइज, 200 पिक्सल, 100 पिक्सल, 300 पिक्सल, तो आप पिक्सल्स में देंगे। अगर आपने कोई एक रेशो से डाउन करनी है या आप करना है साइज को, तो आप परसेंटेज यूज कर लें, मसलन ये देखें ना, वो 50% पे उसको ले गए, क्लियर। हाँ, उस पिक्सल साइज ही है, उसी साइज को ये जो उसका साइज होगा उसको अदा कर दे, ठीक है। अच्छा, अब ये साथ व्हाइट क्यों नजर आ रहा है, ये TD का बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने इसको मर्ज करना है उसके साथ, क्या करूं, नहीं यहां पर तो नहीं लगेगा ना, ठीक है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, पता रल जाए यार, समझ रहे बात,
ठीक है। इस तरह से हम इसको एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अपने माइंड से सोच के कि किस तरह हमने क्या क्या लेआउट हमें चाहिए उसके मुताबिक यूज करें। अच्छा, अब यहाँ पे ही हम एक इधर मैंने वो ब्लू लगाते हैं, हमने ऑप्शन देखनी है, इसलिए इस कलर को ठीक है। अब हम यहाँ तक क्लियर हैं सारे, समझ आ रही है? पिछला जो टेबल असाइनमेंट सारी समझ क्लियर होगी ना कि अब कैसे चलना था, ठीक है। अच्छा, अब टेबल के साथ दो पैरामीटर्स और हैं जिनका यूज काफी होता है, जिनको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल, क्या होगा जान के लगाया? सेल पैडिंग करता क्या है? सेल्स के अंदर जो डाटा आना है उस डाटा की इक्वल स्पेस चारों साइड से स्पेस फिक्स कर देगा। बात समझे आप थोड़ी सी मेरी? एक हमारा सेल है ना ये बेटा, कैमरा बंद रखो ऑनलाइन। अच्छा, यहां पे आप देख रहे हैं सेल स्पेसिंग क्या कर रहा है। आप ऐसा कर, एक मिनट जी बेटा, एक मिनट, ये देखें, इसको मैं बंद करता हूँ। अब आपने ये AIT ब्रांच जो लिखा हुआ है ना, ये बैच 35, इस पे गौर करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपन करते हैं, F5 किया, क्या हुआ? ये जो टेक्स्ट था, ठीक है, ये टेक्स्ट अपने टॉप बॉर्डर से सेल में और लेफ्ट बॉर्डर से इसको स्पेस अप्लाई हो गई है 10 पिक्सल की। ये स्पेस पूरे टेबल पे हर सेल पे चारों तरफ अप्लाई होगी, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे। सेल पैडिंग हर सेल के अंदर 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे दे, यानी वॉल्स से 10 पिक्सल का गैप दे दे। टेक्स्ट उसके अंदर अंदर जस्टिफाई होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग करने के लिए जितना मर्जी रख लें इसको, नहीं स्पेस, ब्लैंक स्पेस। देखे ना, 20 पैडिंग दी है, वो क्या किया, कलम का साइज में बड़ा ही करना था ना, ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, जैसी आपने जैसा फॉर्मेट करना है वैसे आप इसको सेट करेंगे। मैं इसको फिलहाल 5 पे कर देता हूँ, वर्ड में भी इसी नाम से होता है। टेबल प्रॉपर्टीज में जाएं, राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज, वहां पे सेल पैडिंग आ रहा होता लिखा, ठीक है। इसके साथ एक और होती है सेल्स, सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल, ये क्या होगा? इधर से आप बच्चे पीछे को जो आप लोग, जी बेटा आप दो सेल्स में स्पेस डी। अभी पहले क्या हुआ था, सेल पैडिंग, सेल के अंदर स्पेस आई थी, इनर स्पेस था। अब एक दूसरे के साथ तमाम सेल्स की आपस में स्पेस है, ठीक है ना। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको F5 करें, देख रहे हैं ब्लैक में क्लियर होगा ना, ब्लैक, ठीक है। ये बस इतना ही काम था इसका, मर्जी आपकी जैसे कर मर्जी कर ले। अच्छा, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो ये TRM है इनमें डीजी कलर वाइट कर देते हैं, नहीं वो ब्लैक ही है ना, ठीक है जी। दो कॉलम खत्म ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही का वही रहे। तो जैसे वो वही पे रहे, वो देखो बॉर्डर ये बॉर्डर
हाँ बोर्ड इस तरफ आ रहा नहीं, ये तो आउटर बॉर्डर लगा हुआ है ना, ठीक है, और फिर उसमें पैडिंग भी लगी हुई है, ठीक है। सेल को अगर टोटल खत्म करना है फिर हमें इस सेल को मर्ज करना पड़ेगा, कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस सेल को कॉल स्पैन लगा के फुल कर देंगे, वो गायब हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे इसको वापस लाते हैं जरा थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक क्लियर सारों को, ठीक है। अब हम जो आगे मैं यहाँ पे टेबल का बॉर्डर खत्म कर रहा था, ठीक है, और मेरा एक फॉर्मेट बन रहा, ठीक है। अभी सिर्फ HTML में हम लोग, कोई साथ CSS और डिजाइनिंग डिजाइनिंग जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं खेला अभी, ठीक। ये था जी, मैं वापस ले आया था, ये था ना कॉलम एक, टेबल के साथ लगा था ना बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू टू, ये आ रहा था ना, वो ब्रेक हो जाएगा, देखें 20 कर देते, ठीक है। मैंने खत्म इसलिए किया कि मुझे अब वो अपने लेआउट में बॉर्डर नहीं देना, मैंने खत्म कर दिया जी। उसके लिए ना देखें, वो जो पूरे पेज का मतलब क्या है, अभी इस वक्त हमने अपने जो कंटेंट है वो हमने ये सेंटर में सेट किया हो, ठीक है, हमने सेंटर में सेट किया हो। अगर मैं इसके आउटर बॉर्डर देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे फिर एक एक्स्ट्रा टेबल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वो नहीं करना चाहता, इसी के ऊपर दूंगा तो वो फिर सेल्स में भी आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल देना पड़ेगा, या फिर अगेन वही शुरू मरूफ कौन CSS, वो फिर उसमें सी वीक में शुरू हो जाएगी ये भी CSS का काम ना। नहीं मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे चलें, अब यहाँ पर इसमें जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम हमजा आप भी ठीक हैं, सही कह रहे हैं। Why cell padding applying on hold? अब भाई साहब हमने cell padding table पे apply की थी, जरा गौर करें आप। अभी आप code देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने code है, ये देखें ना, हमने cell padding apply की थी यहाँ पे, ये cell level पे भी हो जाती है, उसके भी तरीके है, वो भी अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं HTML को खोल रहा, हमने के सारे काम CSS में करने हैं इसलिए, नहीं तो HTML भी लोग 3 महीने की HTML पढ़ा देते हैं, इतनी हमें जरूरत नहीं है, हमने इंटरफेस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे देखें आपके HTML में हमने जो अभी एक इंटरफेस बना रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात गौर करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलता हूँ, जी खोलो जी, जे डॉट भी रहते, मैंने को फॉर्म ओपन करना है तो हाँ खोल लेते हैं, जी। अब आप गौर करें, हमने जब हम वेबसाइट्स पे किसी भी वेबसाइट में काम कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो हमें वो वेबसाइट दो तरह से हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही है, दो तरह से वेबसाइट्स हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। एक वो वेबसाइट हमें डाटा दे रही है और एक हमसे डाटा ले रही है, ठीक है। जो हमें वो डाटा दे रही है, हमें डाटा प्रोवाइड कर रही है, किसी भी सूरत में, जब हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तब, या हम कुछ सर्च करते हैं तब, जब हमें वो डाटा हमें शो करवा रही है, वो रिस्पांस है, उसको बोला जाता है रिस्पांस, वो उस वेबसाइट का अपने यूजर को रिस्पांस है। और जब हमसे वो डाटा ले रही हैं तो हम उनको कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वेब को, ठीक है। तो आमतौर पे सादा लफ्जों में अभी फिलहाल रहते हैं हम, कि सादा वर्ड्स में क्या है कि हम डाटा को या गेट कर रहे हैं या हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, डाटा हम गेट कर रहे हैं इनपुट। अब जो डाटा गेट हो रहा होता है, जो डाटा रिस्पॉन्स की सूरत में शो हो रहा होता है, वो शो करवाने के हजारों तरीके हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने अपनी एक छोटा सा पेज बनाया, ठीक है, तो ये क्या था, हम अपना डाटा शो करवा रहे थे, ठीक है। अब
अगर हम पाक विंस पे जाते हैं, ये भी हमें बहुत सारा डाटा शो करवा रहा है, करवा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ जब हम यहाँ पे इसको इनपुट करेंगे कोई, ठीक है, अब ये हमसे डाटा गेट कर रहा है, हम इसको कुछ रिक्वेस्ट सेंड करने लगे। जब हम यहाँ पे डाटा गेट करते हैं तो मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ होंडा सिटी, ठीक है, कुछ भी जो भी मैं लिखता हूँ सर्च, मैंने जो भी मॉडल करना है मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर्च कर लूंगा, ठीक है। अब गौर करें कि जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो इसी तरह से उसके आगे मुझे उसने एक पूरी लिस्ट ड्रॉप डाउन दे दी है। यानी यूजर से जब हम इनपुट्स ले रहे होते हैं तो वो इनपुट गेट करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जिस तरह इधर लिखा था होंडा सिटी, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता और मैं अपनी मर्जी से लिखता सिटी लाहौर, कोई लाहौर लिख देता, कोई लाहौर लिख देता, समझ है ना मेरी बात, किसी के लाहौर के स्पेलिंग कुछ और होने थे और किसी के लाहौर के स्पेलिंग कुछ और होने थे, ठीक है। तो हमें इसी तरह ड्रॉप डाउन बॉक्स से हमने यूजर की एक तो इनपुट आसान कर दी और स्टैंडर्ड कर दी, ठीक है। सेम एज यहाँ पे फर्ज करें किसी जगह पे वो मेरे से पूछता है जेंडर, तो ड्रॉप डाउन होगा, सेट कर लो मेल फीमेल। इसी तरह से आप लोगों ने ऑनलाइन अक्सर एडमिशन फॉर्म फिल किए होंगे, ये कभी कोविड ने तो सबको करवा दिए वैसे, ठीक है ना, जिन्होंने कोविड से फायदा उठाया ना पढ़ने के लिए वो उन्होंने काफी ये काम किए होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा चले वो नहीं किया तो आपने अपने गूगल पे रजिस्ट्रेशन की होगी, गूगल पे अपना अकाउंट बनाया होगा, कभी बनाया बेटा आपने, ठीक है। तो आप वहां फिल करते हैं ना, अपना डाटा देते हैं, आपने अपना नाम दिया, डेट ऑफ बर्थ दी, अपना मोबाइल नंबर दिया, जो वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी इनपुट्स जो हमसे वेबसाइट पे ली जा रही होती हैं, ये इनपुट लेने के लिए भी फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ HTML टैग्स हैं, उसकी मदद से फिर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, क्लियर, ठीक है। हम इनपुट को आज सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, कल हम उसको देखेंगे अच्छी तरह डिटेल से, ठीक है। हमारा पेज यहाँ पे है और इसमें मैं अपने टेबल से फिलहाल ऊपर आ जाता हूँ जरा, ठीक है। इसमें मैंने BR अप्लाई कर दिया और मतलब मैंने टेबल नीचे कर दिया, मैं ऊपर लिखने लगा ताकि आप लोगों को विजिबल क्लियर हो जाए। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक मशहूर मरूफ टैग इनपुट का यूज होता है, ठीक है। उसके साथ हम बताते हैं कि भाईजान जो हम इनपुट लेंगे यूजर से, वो जिस जगह उससे इनपुट लेनी है उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की टाइप, ठीक है। कॉमन क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट, ठीक है, और इसको मैं सिंपल रख के अभी क्लोज कर, स्टोर नहीं दिया मैंने, क्लियर। इसको सेव किया, यहाँ पे आते हैं, इसको F5 करते हैं तो एक डब्बा आ गया, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी 6 महीने, ठीक है, ये इनपुट चलती रहनी है। यहीं से इनपुट लेंगे डेटाबेस में जाएंगी, यहीं से इनपुट लेंगे वैलिडेट होंगी, इनपुट तो इसी से होनी है ना, ठीक है। तो इनपुट के लिए हमने यही टैग्स को इन्हीं को यूज करना है HTML, ठीक है। तो इनपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अजम द ग्रेट, ठीक है, नाम कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे जो मर्जी लिख दूं कोई मुझे नहीं रोक सकता, पूरा नहीं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह से यूजर को ओपन एंडेड छोड़ के वेबसाइट बना दूं, मेरी तो वेबसाइट गई, समझ बात ना मेरी, वो जो जहान की चीजें पुठी सीधी डाल देगा। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम फिर वैलिडेशंस लगा, चेक्स लगा, ठीक है, वहां जावास्क्रिप्ट आएगी जो उसे रोकेगी कि सर ये करना है ये नहीं करना, ठीक है। तो बहुत सारे कहानी है। अच्छा अब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसी तरह से मैं अभी एक ही रखता हूँ, अच्छा जी मैंने इसको इसमें दे रहा हूँ किसी वजह से, और इसके बाद इसमें हम देते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर योर नेम, प्लेस होल्डर वहां पे क्या लिखा आया, ये क्या होता है, ये सिर्फ एक हेल्प है, ये डाटा नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है, ये हेल्प है, ये हम उसको इंस्टेंट हेल्प दे रहे हैं कि अपना नाम यहाँ लिखना है आपने, जब मैं कुछ लिखूंगा वो गायब हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा प्लेस होल्डर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू इज इक्वल टू करूंगी, अब हम नाम चेंज करते हैं मोहम्मद उमर स्कूल हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। वैल्यू फिक्स वैल्यू कोई वहां पे आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू शो करवानी है, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया इनपुट टेक्स्ट है ये, ठीक है। वहां पे मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू शो करवानी थी, क्या डिफॉल्ट में ये लिखा हुआ है वहां, इसको आप चेंज भी कर सकते, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्योंकि आपके नोट्स भी बनने हैं ना इसलिए मैं लिख रहा हूँ साथ, प्लेस होल्डर में प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया, ओके। इस इनपुट के स्टार्ट पे लिख देता हूँ फुल नेम, टाइटल लग गया, कैप्शन लग गया, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह से अभी मैं यहाँ पे एक और चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और बंद कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में तो कैलेंडर आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए ना, आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप डेट, डिफॉल्ट सब कुछ आपको साथ वो देगा, फिर डेट दे दिया। तो आप एक बात गौर करें, वो क्वेश्चन ये है, देखें अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रखता और कहता यूजर से कि अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, ठीक है, तो हर बंदा अपनी मर्जी से, कोई 15 साल का होता, कोई 18 का, कोई मानना नहीं था किसी ने कि भाई मैं, हाँ जिसने लिखा होना था 29 फरवरी 2022, असि सोचते यार कल ही एक दिन का बच्चा पढ़े नाल, समझ है बात, हाँ जी हाँ, वो होती भी नहीं है, 4 साल बाद आती है, 4 साल बाद लीप ईयर में तो आती है ना, ठीक है। बात मकसद ये है, और फॉर एग्जाम्पल कोई कहता जी 10 मार्च 1900 दी मम्मी, मकसद ये था अब आप ओपन एंडेड छोड़ देंगे तो यूजर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब आप एक तरीका ये है कि आप प्रोग्रामिंग करें और आप पूरे कैलेंडर को कंट्रोल करें कि किस तरह से इनपुट करनी है, किस मंथ में कौन सी डेट होगी, कौन सा ईयर मैक्सिमम होगा, कौन सा, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वैलिडेशन कितनी मुश्किल है, उसके लिए जिंदगी कितनी आसान थी कि मैं यहाँ डेट लिख दूं, खत्म हो गया, कि कैलेंडर से ऊपर तो वो इनपुट कर ही नहीं सकता। मकसद बताने का ये है कि जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, आप सही इनपुट के लिए सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है, आपकी आधी वैलिडेशन उधर ही अप्लाई हो गई, आपको कोई प्रोग्रामिंग से नहीं गुजरना। अगर आपने यहाँ पे डेट के लिए डेट लगा दी, कैलेंडर लगा दिया, तो आपको कैलेंडर की वैलिडेशन नहीं करनी, जरूरत नहीं ना फिर वहां पे कुछ, हाँ कुछ स्पेशल चेक सॉन्ग वो आप लगा सकते हैं, उसके तरीके हैं फिर आगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैंने 2010 से पिछला ईयर नहीं लिया, ठीक है, तो वो एक अलहदा चीज है, ठीक है, तो इस वो उसके लिए हम बाद में वो चीजें देखेंगे वो कैसे होगा। तो मकसद क्या है कि आप इनपुट को आपने यहीं से कंट्रोल कर रहे होते बहुत हद तक। इसी तरह से आप जो भी इनपुट ले रहे हैं, इन इनपुट टैग्स का नाम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम रख देता हूँ T1, ऊपर को T2 कर देते हैं, T1 कर देते हैं, इसको T1 कर, ठीक है, टर्मिनेटर 1 टर्मिनेटर, क्लियर जी, नाम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नाम नाम है। जब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम करना होगा, इसके साथ कोई ना कोई छेड़खानियां करनी होगी, तो हम इसके नाम से बुलाएंगे इसको, ठीक है, नाम यूनिक होने चाहिए, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो इनपुट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। अगर मैं इसी तरह से इनपुट करूं, हाँ जी, टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू T3, अभी मैं जान के T1 T2 T3 ले रहा हूं क्योंकि नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, और नाम आमतौर पे प्रॉपर होने चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मतलब प्रैक्टिस है, मैं इसके लिए रखूंगा टीएक्सटी पासवर्ड, ठीक है। वो एब्रीवेशन हम करेंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे ना वो चीजें देखेंगे, अभी साथ ही रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लेना है पासवर्ड का, ठीक है। पासवर्ड क्या होता है, नजर नहीं आता, उसके लिए भी सब रखा अलग बच्चों को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक टाइप यूज होती है पासवर्ड, एक ही हो गया, फिर ये लग टाइम हो गया 8 बज गया ना, ठीक है। ले जी पासवर्ड आ गया, अब मैं इसको देख रहा हूँ, वो पासवर्ड करेक्टर्स दिखा रहा है, क्लियर। इसका मतलब है आप गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में जहां पे पासवर्ड लिखते हैं इस तरह नजर आता है, वहां पीछे क्या लगा होता है, इनपुट टाइप लगी होती है, उसकी टाइप होती है पासवर्ड, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी जो फॉर्मेटिंग सॉरी ये जो इनपुट का काम है ये सब कुछ इंशाल्लाह कल देखेंगे।